तो हम लोगों का जो सिलेबस में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्लास पढ़ा था, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल द सॉर्टिंग ऑफ एमएस डब्ल्यू पार्ट टू. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के बारे में, एमआरएफ जो होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म से डिजाइनेट करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इट इज द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, राइट. सो इसको पढ़ने के लिए गाइस, तो हमको वेट अ सेकंड. Yes, so so that we'll study today about the material recovery facility. तो इसमें कैसा रहता है कि इसमें जो कुछ कुछ operations रहता है, unit operations रहता है जो काफी ज्यादा रहता है. ठीक है, तो इसमें इसमें लोग क्या करेंगे unit operations में, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा skip करेंगे. हाँ, but जो वो unit operations है उसके आपको functions जो है वो पता होना चाहिए. functions काफी important है and वो as an MCQ form में पूछी जा सकता है. ठीक है, क्योंकि कैसा है कि दैट वी आर एक्चुअली रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. हमको काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है, आईएससी के बाद भी कंप्लीट करना है, तो दैट्स हम लोग कुछ कुछ चीज़ें स्किप करेंगे. ठीक है, जो मैं नोट लगता है कि एक्चुअली पढ़ाना तो मेरे को है, बट अगर जो लगता है वो स्किप करना रहेगा तो वो स्किप करते चलूँगा. ठीक है, सो टुडे विल स्टडी अबाउट द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी. तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अपने नाम से आपको पता चल रहा होगा मटेरियल रिकवरी. तो अगर आप देखो हर चीज़ों का मतलब अपने नाम में ही रहता है. ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल से आसान भाषा में समझाऊं मटेरियल, तो मटेरियल जो है मटेरियल, ये मटेरियल को आपको रिकवर करना है. ठीक है, सो ये मटेरियल है. रिकवरी मतलब क्या है, उसको निकलवाना है. ठीक है, रिकवरी करना है, जैसे रिकवरी रेट आप सुन रहे हो. ठीक है, एंड फैसिलिटी मतलब कि ऐसी जगह मतलब उसके लिए भी एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी. जैसे हम लोग मटेरियल को रिकवर करके उसको प्रोसेस करके उसको रिसाइकल करके उसको फर्दर यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही होता है. उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेंगे. ठीक है, एंड कुछ न्यूमेरिकल छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सीख लेंगे. ठीक है, इसको फास्ट फास्ट हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं आज. ठीक है, ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द टुडेज प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के बारे में क्या होता है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं वो कॉम्पोनेंट्स के बारे में देखेंगे. फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में कुछ एमआरएफ यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, इसके ऊपर कुछ एक कॉन्सेप्ट रहेगा, वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे. ठीक है, कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे लास्ट में. ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे फटाफट. हम स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दी. ठीक है, देखो द आइडियल रिसोर्स रिकवरी सिनेरियो इन एनी कम्युनिटी वुड इंक्लूड थोरो सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जो भी आपका रिसोर्स रिकवरी करना है, फॉर एग्जाम्पल एक वेस्ट, कि पेपर का वेस्ट पड़ता है, उस पेपर को हम लोग फर्दर यूज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो वो पेपर को सेग्रीगेट करना, जो भी हमको मटेरियल जो रिकवर करना है, रिसाइकल करना है, यूज करना है, सबसे पहला काम होता है हमको उसको सेग्रीगेट करना रहता है इंडिविजुअल वेस्ट कंपोनेंट्स में. ठीक है, सबसे पहले उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है. कौन कौन सेग्रीगेट कर सकता है, आप होम ओनर्स कर सकते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन जो कि एट सोर्स. तो हम लोगों ने अभी तक जो भी चीज पढ़ा है, तो हमने उसमें देखा है कि सेग्रीगेशन सॉर्टिंग एट सोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग एट कम्युनिटी में.
जेनेटिक्स, ठीक है। ये सॉर्टिंग एंड कम्युनिटी जेनेटिक्स जो होता है वो आपका रैक पिकर्स करते हैं, कबाड़ी वाले करते हैं, तो वो आपके सॉर्टिंग एंड कम्युनिटी बेस करते हैं। बट सॉर्टिंग एट सोर्स पे कौन कर सकता है? जो होम ओनर रहता है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जिनका दुकान है वो खुद का, वो जिसकी खुद की इंडस्ट्री है वो खुद कर सकता है, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन जो आपके परमानेंट लोकल बॉडीज वो कर सकते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। तो वही मटेरियल, तो एक्चुअली क्या होता है कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में सेम सॉर्टिंग ही होता है, ठीक है। जो सॉर्टिंग आप घर पे कर दो ना, वो सॉर्टिंग आप मैकेनाइज्ड फॉर्म में या सेमी मैकेनाइज्ड फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि सब्सिक्वेंटली द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, एल्युमिनियम कैंस हो गया, पेपर जो रिसाइकल हो सकता है, रिकवर हो सकता है, उनको रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है, फिर इनको सेपरेट बिन्स में स्टोर किया जाता है जो कि कलेक्शन व्हीकल में हम लोग लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर बाद में उसको फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है, डेंसिफाई किया जाता है, शेडिंग किया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही जो प्रोसेसिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, जो रिकवर करना है, रिकवर करके उनको सेग्रीगेट करके फिर मटेरियल को रिकवर करना है, तो वो सब एक साथ जो प्रोसेस होता है वो इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में होता है, ठीक है। तो एक तरह से एक इंडस्ट्री की तरह ही होता है मटेरियल, जहां पे मटेरियल को रिकवर किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है। उनको सॉर्ट करके फिर उनको प्रोसेस करके फिर बाद में उसको क्लीन मटेरियल उसमें से प्रोड्यूस करते हैं, एंड वही क्लीन मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर प्रोसेसिंग कलेक्शन एंड एवरीथिंग करके, और फिर उसको मार्केट में लोग सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, और बायर्स के थ्रू लोग इवेंचुअल रिप्रोसेसिंग करके वापस वो करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है। द अबव सिनेरियो वुड रिजल्ट इन अ क्लीन एंड हाईली मार्केटेबल रिसोर्स, ऑब्वियसली मैं बताया कि क्लीन मटेरियल हमको मिलता है, ठीक है। दस डिक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंसेस फॉर द परचेस ऑफ लार्ज सफिशिएंट इक्विपमेंट, एनर्जी कॉस्ट एंड लेबर, ठीक है। तो इसमें से एक चीज होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंसेस जो लगता है या कॉस्ट लगता है वो काफी ज्यादा कम लगता है इन कंपेरिजन टू, एंड वो काफी ज्यादा क्लीन भी रहता है, ठीक है। सिंस द अबव अप्रोच वाज मटेरियल सेपरेशन फ्रॉम एमएसडब्ल्यू इज ऑफन नॉट फिजिबल टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो अभी कभी क्या होता है कि स्पेशली मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कैसा है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इनसफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि इससे जो होता है हम लोगों का जो अबव अप्रोच मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जो क्लीन मटेरियल प्रोवाइड करना है, सो वो प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो एक जगह पे हर जगह पे करना होता नहीं, क्योंकि इसमें लैक ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता, लोगों का इनसफिशिएंट सपोर्ट रहता है, इसकी वजह से इसे पॉसिबल हो नहीं पाता, ठीक है। The material recovery facility is relatively recent approach to MSW management, ठीक है। तो एक recent approach है जिसको भी काफी ज्यादा trending में use किया जा रहा है, बहुत सारे countries इसको use करते हैं material recovery facility को, ठीक है। But its utility has become obvious and its popularity is increasing, but its prevalence in India is not so common. तो इंडिया में इतना कुछ हर जगह पे इसको नहीं मिलेगा, but हाँ बहुत foreign countries आपको हर जगह पे MRF material recovery facility मिलेगी, उसके लिए एक special budget बनाया जाता है, एंड स्पेशल बजट में काफी ज्यादा जो है ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लैंडफिल्स के बाद इसको काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। द प्राइमरी रीजन क्यों इतना मैकेनाइज्ड फैसिलिटीज जो है, मैकेनाइज्ड फैसिलिटीज हम बोलते हैं, प्री सॉर्टिंग बोलते हैं, ये जो क्यों इसमें इतना ज्यादा हो रहा है फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग, इज दैट एमएसडब्ल्यू जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मुझे अगर एक सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर लैंड में, जो हमें लैंड में डिस्पोज करना, तो उसका डिस्पोजल कॉस्ट रहेगा, तो अगर सब चीज डिस्पोज करना ऑब्वियसली इतना ज्यादा वेस्ट अगर डिस्पोज करना है तो ऑब्वियसली डिस्पोजल कॉस्ट का बढ़ जाएगा, फिर बाद में अ ग्रेटर इंसेंटिव इन फेवर ऑफ द रिसाइकलिंग, ठीक है। फिर एक रिसाइकलिंग में क्या होता है कि काफी ज्यादा जो है वो इंसेंटिव्स मिलते हैं लोगों को, ठीक है ना, इसकी वजह से भी लोग इस पर काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और कन्वीनियंट और रैपिड मेथड ऑफ सेपरेशन जो कि डेवलप करना चाहिए, एमआरएफ ऐसा जो है कन्वीनियंट रैपिड मेथड जो कि हम सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो ये इसकी वजह से डिस्पोजल कॉस्ट रहता है, इंसेंटिव मिलते हैं, एंड ये जो उसमें रैपिड सेपरेशन जो हम कर सकते हैं, That's why इसमें material recovery facility की जो popularity है वो काफी ज्यादा increase हो रही है, ठीक है। तो इसमें दो major configuration होते हैं MRFs में, ठीक है। एक तो होता है facility which handle source separated waste, जो कि source separated waste मतलब जो source में ही अगर तुम उसको separate कर देते हो तो उस तरह का जो facility होता है वो भी एक उसके लिए MRF, और उस तरह का MRF को बोलते हैं clean MRF बोलते हैं, जहाँ पे सोर्स सेपरेट, सोर्स में अगर हमने मटेरियल को सेपरेट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज क्लीन एमआरएफ, ठीक है। और फैसिलिटीज जो हैंडल करता है मिक्स्ड वेस्ट, ठीक है, जो मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन जो कि हजार्डस वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब मिक्स होकर आता है, दैट इज कॉल्ड एज डर्टी एमआरएफ, ठीक है। तो दो तरह के एमआरएफ होते हैं, एक होता है क्लीन एमआरएफ, एक होता है डर्टी एमआरएफ, ठीक है, समझ में आप लोगों को। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ एमआरएफ, तो सबसे पहले होता है यूनिट ऑपरेशन, ये कॉम्पोनेंट होता है, फिर वेस्ट जहाँ पे आप वे करते हो वो होता है, फिर आपका होता है रिसीविंग एरिया, स्टोरेज एरिया, मोबाइल इक्विपमेंट्स, फिक्स्ड इक्विपमेंट्स, कन्वेयर्स, स्केल्स। तो ये एट कंपोनेंट्स आपके होते हैं जिसमें, ये एट कंपोनेंट्स आपके होते हैं जिसमें, ये आपके होते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप यूनिट ऑपरेशंस की बात करूँ, ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके यूनिट ऑपरेशंस जो रहते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है।
तो इसमें यूनिट ऑपरेशन जो रहता है, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग रहता है मैग्नेटिक, तो मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें टेबल को सारे फंक्शंस दिए, मैग्नेटिक सेपरेशन, एयर क्लासिफिकेशन, श्रेडिंग, एंड ये यूनिट ऑपरेशन जो होता है इसके फॉलोइंग फंक्शंस जो होते हैं, ये इसके फॉलोइंग फंक्शन होता है। मैं यूनिट ऑपरेशन का मतलब मतलब बता चुका, जब जब आपको मैं एडवांस ट्रीटमेंट पढ़ा रहा था, उसमें यूनिट ऑपरेशन की जो फिजिकल चेंज अगर उसमें होता है, या फिजिकल चीजें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना रहेगा, तो उसको यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये सारा जो स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है, ये फिजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है। इसका काम ही होता है मॉडिफाई द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस सो दैट द कंपोनेंट्स कैन बी रिमूव्ड मोर इजीली। उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करना रहेगा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर टू रिमूव स्पेसिफिक यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम, जो स्पेसिफिक यूजफुल कंपोनेंट जो कि हम उसको यूज कर सकते हैं आगे, उसको निकालना। फिर टू रिमूव द कंटामिनेंट फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट, एंड द प्रोसेस एंड प्रिपेयर द सेपरेटर फॉर सब्सिक्वेंट यूज, उसको प्रोसेस करना, प्रिपेयर करना, उस मटेरियल को सब्सिक्वेंट यूज करना, ठीक है। तो कॉमन यूनिट ऑपरेशन जो कि हम यूज करते हैं इस एमआर फैसिलिटी में, वो सार काफी ज्यादा मैकेनाइज होता है, एंड वो आगे टेबल में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें हालांकि एमआरएफ सिस्टम जो होता है वो काफी ज्यादा मैकेनाइज है, उसके बाद भी इसमें ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ हजार्डस वेस्ट दैट इज बैटरी, पेंट्स एंड पिस्टन फ्रॉम कैन ओनली बी अकॉम्प्लिश्ड बाय मैनुअल सॉर्टिंग, ठीक है। अगर आपको बैटरी, पेंट, कैंस वगैरह निकालना है तो मैनुअल सॉर्टिंग से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर 2 लीटर सोडा बॉटल्स मेड फ्रॉम पीटी बॉटल्स, एडिशनली ऑल एमआरएफ सॉर्ट बाय ग्लास वगैरह मशीन एंड द ह्यूमन आई एंड हैंड, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अगर पूरा चीज अगर हम ऑटोमेट करते हैं मैकेनाइज करते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस में लगता है। हाँ, हालांकि ऐसा है कि अगर मैकेनाइज कर दोगे तो जितना ह्यूमन मैनुअल सॉर्टिंग में लगता है, मैनुअल चीज करने में लगता है, उतना आपको कम लगेगा, बट मैनुअल सपोर्ट तो लगेगा लगेगा, ठीक है। तो ये आपको होता है यूनिट ऑपरेशन के बारे में, ओके। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये यूनिट ऑपरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका फंक्शन क्या, मटेरियल को प्रोसेस करते हैं आपको, ठीक है। हैमर श्रेडिंग क्या होता है, तो श्रेडिंग का सबसे मेन काम होता है साइज रिडक्शन। तो हर श्रेडिंग के जितने भी इक्विपमेंट है उसमें सब में लिखा होगा साइज रिडक्शन, ठीक है, साइज रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो श्रेडिंग का काम क्या होता है कि जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट, तो वेस्ट के साइज को रिड्यूस करना, तो दैट इज कॉल्ड श्रेडिंग, ठीक है। तो हैमर मिल्स, तो हैमर मिल्स का काम होता है, जो हैमर मिल जो होता है, हैमर मिल, उसका काम होता है साइज रिडक्शन, ठीक है। फिर फ्लेल मिल्स का काम होता है आल्सो यूज्ड द बैक ब्रेकर, ठीक है, इसको हम बैक ब्रेकर के साथ यूज कर सकते हैं। शियर शटर साइज रिडक्शन आल्सो यूज्ड द बैक मेकअप। ग्लास क्रशर्स, इसको जनरली हम लोग ग्लास के लिए यूज करते हैं। और वुड ग्राइंडर्स जो होते हैं, इसको हम लोग साइज रिड्यूस कर सकते हैं, इसका यार्ड ट्रिमिंग्स और वुड वेस्ट जो आपका होता है, ये ट्रीज के जो होते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो श्रेडिंग का बेसिक फंक्शन होता है क्या, कि श्रेडिंग का मतलब होता है दैट वी हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पेपर है, तो पेपर का साइज, तो हर एक मटेरियल के लिए अलग 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 ये नीचे दिए हुए, ये आप देख रहे हो, हैमर मिल्स, फ्लेल मिल्स, शियर शेडर, ग्लास क्रशर्स, वुड ग्राइंडर्स, ठीक है। अगला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब समझ में आपको बताता हूँ, स्क्रीनिंग, अब देखो ना, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, ठीक है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या, लोगों को छाटना, ठीक है ना, छाटना मतलब कि कैसा है कि जो एलिजिबल है उसको आगे भेजो, जो एलिजिबल है उसको बाहर भेजो। तो स्क्रीनिंग का मतलब भी ये होता है कि कौन सा वेस्ट आगे, आप कौन सा वेस्ट को आप प्रोसेस कर सकते हो, वही वेस्ट को कंसिडर करो, जिसको प्रोसेस नहीं करना उसको सेपरेट कर दो ना। तो दैट इज स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ ओवर एंड अंडरसाइज मटेरियल, ट्रॉमेल ऑल्सो यूज द बैक ब्रेकर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको सेपरेशन करना, मतलब मटेरियल को जो ओवर और अंडरसाइज मटेरियल जो है, जो कि बड़ा एंड छोटा साइज का मटेरियल जो है, उसको सेपरेट करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे एक्चुअली बहुत तरह के स्क्रीन होते हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट स्क्रीन जो हम यूज करते हैं ट्रॉमेल स्क्रीन। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉमेल स्क्रीन को हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं आपके साइज सेपरेशन करने, या जो आपके सेपरेशन ऑफ मटेरियल को करने में हम ट्रॉमेल स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। एक आपको होता है साइक्लोन सेपरेटर, तो आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा हुआ, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है कि आपका लाइट कंबस्टिबल जो मटेरियल जो एयर स्ट्रीम में रहता है उसको आपको सेपरेट करने में काम आता है। एयर क्लासिफिकेशन भी होता है, एक बार लाइट कंबस्टिबल मटेरियल सेम, जो आपका साइक्लोन सेपरेटर एयर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी सेम रहता है। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन भी क्या होता है कि सेपरेट करने में क्या होता है, जो फेरस मेटल जो होता है, अगर आपको जो आयरन वाला मेटल लगा, अगर आपको उसको कॉमिकल वेस्ट, जो मिक्सड वेस्ट रहेगा, उसमें से अगर आपको आयरन मेटल सेपरेट करना है, देन यू कैन यूज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन अगर वेस्ट अगर उस मैग्नेटिक सेपरेटर से पास करते हो, तो उसमें जो आयरन रहेगा वो आयरन आपके मैग्नेटिक सेपरेटर से चिपक जाएगा, ठीक है। तो दिस आर ऑल द सेपरेटर, तो स्क्रीनिंग, ये सारे, ये जो तीनों चीज आप देख रहे हो, सो ये जो है स्क्रीनिंग, ठीक है। तो वो आपका स्क्रीन जो होते हैं ट्रॉमेल स्क्रीन, एंड ये भी एक सेपरेट करने का आता है, एंड ये तीनों जो पार्ट होता है, ये स्क्रीनिंग, दिस कम अंडर द स्क्रीनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनिंग वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेंसिफिकेशन का, डेंसिफिकेशन, ठीक है, डेंसिफिकेशन मतलब क्या होता है, डेंसिफिकेशन मतलब डेंसिटी को क्या करना है, डेंसिटी को इंक्रीज करना रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपको क्या करना है, डेंसिटी इंक्रीज कब होता है, कब डेंसिटी इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज तब होता है जब आप चीज को कॉम्पैक्ट करते हो। तो कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे पहला जो होता है बेलर्स। तो ये बेलर्स क्या होता है,
कॉम्पैक्शन इनटू बेल्स, मतलब आपको बेल्स के फॉर्म में कॉम्पैक्ट करना है। आपने देखा होगा आपके कुछ इंडस्ट्रीज में पेपर का सा गुच्छा रखा होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द बेल, बेल ऑफ पेपर्स, बेल ऑफ टेक्सटाइल्स, बेल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का स्क्रैप रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड बेल्स, ठीक है। तो वो कॉम्पैक्शन मतलब कि बेल्स के फॉर्म में करना है, बेल्स के फॉर्म में कॉम्पैक्ट करना है, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इन सब को बोलते, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, बेलर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्ड सुनते हैं ना बेलर्स, बेलर्स मतलब क्या होता है, उसको डेंसिफाई करना, उसका डेंसिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। कैन प्रोसेस, कैन प्रोसेस अपने क्या होता है, जैसे कॉम्पैक्शन करना है, फ्लैटनिंग करना है, एल्यूमिनियम एंड टिन कैन, ठीक है। तो फिर एल्यूमिनियम एंड टिन की कैन होते हैं, उनको कॉम्पैक्ट करके उसको पैक कर देना, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देना, ठीक है। अगर आप डेंसिटी को बढ़ाएंगे, अगर आप कॉम्पैक्ट करते हो, कॉम्पैक्ट तो कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, अगर आप एल्यूमिनियम कैन एंड टिन कैन को कॉम्पैक्ट करोगे, तो अगर मान लो आपके एल्यूमिनियम कैन है, ये आपका एल्यूमिनियम कैन है, ठीक है। अगर मैं इसको कैन क्रशर में पास कर दूं, तो कैन क्रशर में जब यहाँ पे मान लो ये क्रशर है, ठीक है, इस क्रशर में इसको पास कर दूंगा, तो जब मैं इसको क्रशर में पास करूंगा तो क्या होगा कि ये जो होगा इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एंड टुकड़े हो जाएंगे इसका क्या होगा, जितना वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो गया, अगर वॉल्यूम कम रहेगा मास उतना है, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द कैन प्रोसेस, समझ में आप लोगों को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वेटिंग फैसिलिटीज। तो जो वेटिंग फैसिलिटीज बच्चे होती है, इसमें दो तरह की वेटिंग होता है, प्लेटफॉर्म स्केल होता है और होता है स्मॉल स्केल, जो कि आपके एमआरएफ के अंदर होता है। ये सब चीज होता है, ये आपके ऑपरेशनल रिकॉर्ड में सारा लेखा जोखा करने के लिए हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको होता है वेटिंग फैसिलिटीज। फिर आपके होता है कुछ हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज कुछ होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले होता है कन्वेयर बेल्ट होता है, जो कि होता है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आप कॉन्क्रीट के आरएमसी प्लांट पर गए होंगे, तो उसमें कन्वेयर बेल्ट हो, जिसमें सीमेंट वगैरह पास होता है, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसमें कन्वेयर भी होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, आपके होते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर पिकिंग बेल्ट सब जो होते हैं, ओके, मैनुअल सेपरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, सोर्स सेपरेट एंड कम्युनल वेस्ट को उसको पिक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। मूवेबल इक्विपमेंट जो होता है, मटेरियल्स हैंडलिंग एंड मूविंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो कि लोडर होता है तो उसको बोलते हैं मूविंग इक्विपमेंट। एंड स्टोरेज फैसिलिटी आपको होता है, मटेरियल्स टिप स्टोरेज कर सकते हैं, रिकवर जैसे जहाँ पे रिकवर मटेरियल हम स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि उसको बाद में बायर्स बाय करें। इन सारे के फंक्शंस एंड यूनिट ऑपरेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉम्पोनेंट तो हमने पढ़ लिया, सबसे दूसरा कॉम्पोनेंट जो आपका होता है वेस्ट। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यस, वो एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो है त्रिपाठी जनरल स्टोर्स, ठीक है, त्रिपाठी जनरल स्टोर्स। अब त्रिपाठी जनरल स्टोर ऐसा है कि किराने का दुकान है। अब एक किराने की दुकान में क्या होता है कि आपके जो सामान रहेंगे, हर दिन किराने की दुकान में कुछ ना कुछ सामान आएगा, हर दिन कितने सारे कितने ना कितने ट्रक्स आते होंगे, क्या देखो टूथब्रश के लिए एक ट्रक आया, या एक मेजरमेंट या एक टेम्पो आया, ठीक है, फिर बाद में कोई दूसरा कुछ अगर डाल का एक टेम्पो आया, राइस का टेम्पो आया, गेहूं का टेम्पो आया, ट्रक आया, ठीक है। तो हर दिन कुछ ना कुछ ट्रक आता है, हर दिन कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अब ये त्रिपाठी जनरल स्टोर जो ओन करता है, ठीक है, ये ओन जो करता है, ये ओन कौन करता है, ये ओन करता है हमारे जो मिर्जापुर डोम में अपने कैरेक्टर हुआ कालीन भैया, ठीक है। तो कालीन भैया त्रिपाठी जनरल स्टोर को ओन करते, चलो ठीक है, वो मानते कि यार चलो ठीक है, यार कट्टों की बिजनेस है, कुछ भला काम अगर करना चाहता था हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये कालीन भैया जो है त्रिपाठी जनरल स्टोर में जो भी है काम करते हैं, और ये सारा जो हिसाब रहता है त्रिपाठी जनरल स्टोर, उनके एक मैनेजर रहता है, वो अपने मकबूल खान। तो ये मकबूल खान जो रहता है यहाँ के मैनेजर रहता है, ये मैनेजर से पूरा दिन भर का हिसाब रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि त्रिपाठी जनरल स्टोर में क्या होता है, त्रिपाठी जनरल स्टोर में कितना माल आया, कितना माल नहीं आया, ठीक है। तो हर दिन राइस कितना है, तो भाई राइस इतना आया, तो देखो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो राइस आया, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ट्रक ए है, ठीक है, एक ट्रक ए है, वो ट्रक ए जो है मान लो ये इधर आता है, ठीक है, ट्रक ए है वो इधर आता है, और यहाँ पे वो क्या लेके आता है, ये ट्रक ए में मान लो कि राइस है, ठीक है, यानी चावल है, तो चावल लेके आता है, तो भाई चावल कितना लेके आता है, तो मान लो कि राइस का ऑर्डर उन्होंने कितना दिया, चावल का मान लो कि ये ट्रक जो है त्रिपाठी जनरल स्टोर के लिए आया, तो इन्होंने राइस का ऑर्डर मान लो दिया 20 किलो, तो 20 किलो राइस मंगाया, ठीक है। अब वो ट्रक को ट्रक जो रहेगा ट्रक, ठीक है ना, ट्रक पे ट्रक से माल को अनलोड करेंगे, अगर उनके पास कोई ऑटोमेटिक डिवाइस होगा, ऑटोमेटिक डिवाइस से जो मैग्नेटिक कार्ड रहेगा कुछ भी रहेगा उसमें देख लेंगे, और देखिए भाई ट्रक में जो राइस है वो 20 किलो का है कि नहीं, तो ठीक है 20 किलो का है, तो 20 किलो का डेटा निकालेंगे, तो उसका लेखा जोखा जो उसके हिसाब से 20 किलो का रिकॉर्ड है, इसमें इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना आपको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ का जो हिसाब रहेगा, ऐसे ए ट्रक लेके आई है, फिर कोई दूसरा ट्रक ले आया, दूसरा कुछ ले आया, ऐसे दिन भर में कितने ट्रक आते हैं, कितना माल डिलीवर करते हैं, कितने है? तो एक तरह से ये है कि जो आपका वेस्ट स्टेशन में वैसे रहता है। तो वेस्ट स्टेशन में मान लो क्या होता है कि वेस्ट स्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका एक एमआरएफ फैसिलिटी अगर है, ठीक है, अगर ये एमआरएफ फैसिलिटी को आप ओन करते हैं, तो मान लो कि अगर एक ट्रक आता है, तो अगर ये ट्रक आया, ये ट्रक ने आप अगर वेस्ट को डिस्पोज कर दिया, ठीक है, तो वेस्ट को डिस्पोज करना है आपके एमआरएफ में, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक कांटा होता है, इसको हम बोलते हैं वे ब्रिज। तो इस वे ब्रिज से जैसे ट्रक पास किया,
तो इस ट्रक जैसे पास करते हैं, ट्रक का वेट मेजर कर लेते हैं, वेट मेजर करते हुए क्या करते हैं कि कितना वेट मेजर करना है, कितना वेस्ट ये आ रहा है इसको इसमें है, तो हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ट्रक बाहर है तो वापस वेट मेजर करते हैं, तो उसमें से जो माइनस कर लेंगे, तो ट्रक का वेट पहले कितना था, बाद में कितना था, एम्प्टी ट्रक का, उसमें माइनस हमको कितना सॉलिड वेस्ट डिस्पोज किया उस आदमी ने वहां पे उस ट्रक ने, तो वो हमको पता चल जाता है, ठीक है। सो दैट इज द वे ये होता है। तो ये वेट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि आप लोग डेटा जो वेट के डेटा रहेंगे उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका वेट स्टेशन होता है, तो उसमें पढ़ लेना, कुछ ज्यादा वो बड़ा है नहीं, क्रॉस फिटर ट्रक कैसे मेजर करते हैं ये सब आप इजीली आपको समझ जाओगे। मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, आपको समझ में इनपुट टनेज कितना होता है ये क्या होता है, आपको ये मैंने एक फिगर के साथ समझा दिया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिसीविंग एरिया। अगर आपने उस ट्रक को वेट कर लिया है, ठीक है, अब वो ट्रक क्या करेगा कि एमआरएफ के अंदर जाएगा, कहीं ना कहीं दूर जाकर रिसीव करेगा अपन, ठीक है ना। एक रिसीविंग एरिया है जहां पे आप उसको रिसीव करेंगे एक वेस्ट को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उस वेस्ट को रिसीव करने के लिए मान लो कि एक लोडर रहेगा, ठीक है, तो वो लोडर रहेगा या फिर मान लो कि टिपिंग एरिया, जहाँ पे रिसीविंग एरिया या उसको बोलते हैं टिपिंग फ्लोर या टिपिंग एरिया बोलते हैं, जहां पे आप उसको करोगे, ठीक है। तो आफ्टर इनिशियल वेटिंग करने का क्या करेंगे हम लोग, कलेक्शन व्हीकल जो रहेगा उसको सारा अपना लोड कहाँ करना पड़ेगा, टेम्पररी स्टोरेज या इनिशियल प्रोसेसिंग सेंटर। तो मान लो खुला ग्राउंड रहेगा, यहाँ पे उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, फिर बाद में एक लोडर आता है, वो फ्रंट एंड लोडर, फिर लोडर इसको अंदर लेके आता है, ठीक है। तो एक ट्रक जब आता है एक प्रोसेसिंग साइट पे, तो उसको वहां पे वेस्ट को डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। द फैसिलिटी मस्ट बी डिजाइन टू क्रिएट एन ऑप्टिमम फ्लो ऑफ ट्रक्स, ठीक है। अब कैसे कि एक दिन में ऐसा नहीं कि एक ही ट्रक आएगा, उस अगर एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एरिया के बनाए, तो उस एरिया में उस कॉलोनी में कि बहुत सारे ट्रक्स को डिजाइनेट किया जाएगा, तो उसका एक ऑप्टिमम फ्लो होना चाहिए। इन अदर वर्ड इसका मतलब ये होता है, फुल ट्रक्स शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द जस्ट एम्प्टी ट्रक्स, ठीक है। तो जस्ट एम्प्टी ट्रक्स वो टिपिंग एरिया के अंदर जस्ट एम्प्टी ट्रक्स का, तो उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो उसको एक अलग से उसको वो करके रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे आपका हिसाब वगैरह जो रहेगा आपको प्रॉपर तरीके से डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या रिसर्व रिसीविंग एरिया। अब दूसरा तीसरा चीज जो कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट जो पता था, स्टोरेज एरिया। अगर आपने उसको रिसीव कर लिया, तो रिसीव करने के बाद आपको एक जगह पे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे आप स्टोर करोगे उसको, तो स्टोरेज ऑफ एमएसडब्ल्यू प्रैक्टिकल कंसर्न, मेजर प्रैक्टिकल कंसर्न जो होता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो स्टोरेज क्या होता है कि आपको काफी सफिशियंट स्पेस है, जहाँ पे रॉ वेस्ट को या कॉमिनल वेस्ट को और जो सॉर्टेड और क्लीन जो और बेल्ट प्रोडक्ट है उसको आप प्रॉपर जगह पे स्टोर करोगे। मतलब क्या होता है कि आप जो अगर एक रॉ वेस्ट आ रहा है, तो रॉ वेस्ट को स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, एंड उस वेस्ट को जब प्रोसेस कर लिया है, सॉर्ट कर लिया है, रिकवर कर लिया, ठीक है, उसको भी स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके दोनों पर्सपेक्टिव में कोई स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों पर्सपेक्टिव मतलब कौन सा, एक तो आपका रॉ वेस्ट जो आपका आएगा उसको स्टोर करने के लिए, एंड जो रिकवर्ड वेस्ट जो आपका आएगा, रिकवर्ड या जो मटेरियल रिकवरी जो रिकवर होगा, तो बाद में उसको क्लीन प्रोडक्ट रहेगा, तो उसके लिए भी आपको एक स्टोरेज एरिया डिजाइनेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वेरी कॉमन स्टोरेज एट एन एमआरएफ इज द टिपिंग फ्लोर। तो इसको हमें याद रखना, टिपिंग फ्लोर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको आई एग्जाम्पल दिखाता हूँ वो टिपिंग फ्लोर क्या होगा, ठीक है। तो टिपिंग फ्लोर मतलब क्या होता है, जनरली आप जब फ्लोर देखते हो ना, फ्लोर जो आपका स्लैब स्टोरेज होता है, तो एक सिंपल एक फ्लोर पे डिस्पोज करना है, ठीक है। तो आपका ये जो होता है, बाद में क्या होता है कि आइदर कलेक्शन ट्रक्स और फ्रंट एंड लोडर्स होता है, वो उस वेस्ट को डिपॉजिट करते हैं फ्लोर पे आके। तो आपको जो रिसीविंग एरिया में जो वेस्ट जनरेट हुआ, वो रिसीविंग एरिया को जो आपका ट्रक जो कलेक्शन ट्रक जो उस एमआरएफ में रहेगा, या जो आपका लोडर रहेगा, वो लोडर क्या करेगा, वो लोडर आपके रिसीविंग जो आपके स्टोरेज एरिया में ले जाएगा, स्टोरेज मतलब यहाँ पे टिपिंग फ्लोर पे ले जाएगा, एंड वो टिपिंग फ्लोर पे वेस्ट को डिस्पोज कर देगा, ठीक है। और उस वेस्ट को प्रॉपरली स्टैक कर देना पड़ेगा, और फ्रंट एंड लोडर जो होता है, जो फ्रंट एंड लोडर टू एज हाईएस्ट 6 to 8.5 meter, ठीक है। तो वेस्ट को जब आप प्रॉपर जब स्टोर करोगे, तो स्टोर करके उसको प्रॉपर स्टैक में रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप उसको वेस्ट को डिस्पोज करते हैं टिपिंग फ्लोर पे, तो टिपिंग फ्लोर पे जो एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, उसका जो हाइट रहेगा वो 6 to 8.5 meter के आसपास रहेगा, ठीक है। सो फ्रंट एंड लोडर्स विल लोड द वेस्ट ऑन टू अ कन्वेयर दैट फीड्स इनटू प्रोसेसिंग सिस्टम। द स्लैब इज सरवेड बाय पुश वॉल। तो स्लैब जो रहेगा, फ्लोर जो रहेगा, इस फ्लोर के ऊपर वॉल्स बने रहेंगे, पुश वॉल्स रहेंगे, ठीक है, जो कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट से बना हुआ रहेगा, ठीक है। सो ये इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो ये देखो, तो ये आपका जो फ्लोर होता है, देखो बच्चे, ये फ्लोर जो होता है, दिस इज कॉल्ड, जहां पे वेस्ट को ऐसे स्टैक करते हो, देखो ये स्टैकिंग जो कर रहे हो, ठीक है, 6.85 मीटर का स्टैक करते हो, दिस इज कॉल्ड एज द टिपिंग फ्लोर। इसको हम बोलते क्या, इसको हम बोलेंगे टिपिंग फ्लोर, ठीक है, समझ में आ रहा, इसको हम बोलेंगे टिपिंग फ्लोर, ठीक है। जहाँ पे वेस्ट को आप डिस्पोज करते हो, रिसीव करते हो, जहाँ पे वेस्ट जहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के अंदर टिपिंग फ्लोर, ठीक है। एंड ये आपके जो वॉल्स होते हैं, जो कंक्रीट से स्टील से बने हो सकते, दैट इज कॉल्ड द पुश वॉल्स, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इसमें देख सकते हो क्या, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ टिपिंग फ्लोर। तो यहाँ पे आप वेस्ट को स्टोर कर सकते हो।
नेक्स्ट आपका कहता है साइज ऑफ टिपिंग फ्लोर, तो टिपिंग फ्लोर का साइज कितना होना चाहिए, कितना उसका स्पेस होना चाहिए, तो वो स्पेस को डिटरमाइन करने के लिए तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह पे कितने नंबर ऑफ ट्रक्स आने वाले हैं जो कि अनलोड करके वहां पे डिस्पोज करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर साइज शुड टेक इनटू अकाउंट द लार्ज प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिलीवरी, तो कितना वेस्ट डिलीवरी डिलीवर करना है, कितने ट्रक्स आने वाले, कितना वेस्ट डिलीवर करने वाला है। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ट्रेंड शुड एंडेवर टू एमएल इन लार्ज नंबर्स नीड इन द डे आफ्टर द लास्ट पुट द कलेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रक्स जो आता है, ठीक है ना, वो कब आता है, वो आपकी इवनिंग में आता है, ठीक है। सिमिलरली मंडे डिलीवरीज जो आपका होता है वो काफी ज्यादा, क्योंकि वीकेंड में छुट्टी आती है, आपको पता है कि दिल्ली अगर देखते हो वीकेंड्स पे तो आप बहुत जगह देखते हो, आप मुंबई वगैरह जाओगे तो सैटरडे संडे ज्यादा छुट्टी होता है, तो सैटरडे संडे में कोई अगर छुट्टी होता है तो वहां पे कोई काम होता नहीं है, तो अगर काम होगा तो ऑब्वियसली मंडे को डिलीवरीज होंगी वेस्ट की, वो सैटरडे संडे और उस पूरा और मंडे इन तीनों का मिक्स करके आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका साइज ऑफ टिफिन फ्लोर होता है वो आपको डिजाइन करना पड़ता है, तो जो आपका क्योंकि किस दिन ज्यादा आएगा किस दिन कम आएगा, एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर ओवर दैट, ठीक है। क्या होता है अनदर स्टोरेज सिस्टम, तो एक तो होगा क्या, एक तो आपका टिपिंग फ्लोर आप स्टोर कर सकते हो वेस्ट को, ठीक है, टिपिंग फ्लोर पे, एंड दूसरी जगह आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप बताता हूँ, ठीक है। तो एक और चीज होता है कहाँ पे कर सकते हो, जो कि कॉमन इंसिनरेटर में होता है स्टैंडर्ड पिट, जो कि होता है जिसमें आपका ओवरहेड होता है, मतलब पिट मतलब क्या होता है खड्डा, ठीक है। द पिट जो होता है जो कि 612 मीटर डीप होता है, मतलब ऐसा ये फ्लोर है ना फ्लोर, उसमें आप एक पिट डक कर दो जो कि 6-12 मीटर का डेप्थ होगा उसमें, ठीक है। और वेस्ट कलेक्शन ट्रक्स जो होता है वो क्या करेंगे, जो ट्रक्स आएंगे तो ट्रक्स जो अपना लोडर रहेगा वो उसमें डिस्पोज कर देंगे हमें वेस्ट को, ठीक है, फिर उसको डंप कर देंगे, फिर वो क्रेन जो रहेगा क्रेन इसके ऊपर जो क्रेन रहेगा वो क्रेन इसको वेस्ट को वहां पे स्प्रेड कर देगा और फिर कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। द क्रेन कैन ड्रॉप द वेस्ट इनटू फीड चूट और इनटू कन्वेयर बेल्ट, बाद में ये क्रेन ही उसको वेस्ट को वहां से उठा के वो उस पर लेके जाएगा, किस पे, कन्वेयर बेल्ट पे लेके जाएगा, ठीक है। स्लैब स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव, जो आपका स्लैब स्टोरेज होता है स्लैब स्टोरेज वो होता है जो कि टिपिंग स्टोरेज जो होता है, ठीक है, वो आपका काफी ज्यादा कम होता है पिट स्टोरेज। पिट में क्या होता है कि पिट में आपको एक्सकैवेशन करना पड़ता है, एक्सकैवेशन करना होता है, एक्सकैवेशन का कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा आपको पता होगा अपने जीओटी में पड़ा हुआ, ठीक है, तो एक्सकैवेशन का कॉस्ट ज्यादा रहेगा, सो दैट्स व्हाई यू विल बी रिक्वायरिंग मोर एरिया ऑल्सो एंड दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर स्लैब स्टोरेज, ठीक है। सो ये आपका होता है पिट स्टोरेज एंड स्लैब स्टोरेज का नाम है आपको, ठीक है। द डिजाइन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज आपको होता है उसमें काफी मटेरियल फ्लो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंटली हर चीज को इवेल्यूएट करना चाहिए, ठीक है, कि कितना उसका वो है, ठीक है ना, कि रेट ऑफ फ्लो कितना है उसका, ठीक है। सो काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपको टिपिंग एरिया को जो फ्लो रेट को मेयर करने, वेस्ट का फ्लो रेट को मेयर करने में काम आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोग्रामेट्री रेडियो पिल्स वगैरह होता है, बट सॉलिड वेस्ट के लिए स्पेशली जो स्पेक्ट्रोफोटोग्रामेट्री टेक्निक होता है, स्टीरियो फोटोग्रामेट्री टेक्निक होता है, वो हम यूज करते हैं, रेडियो पिल टेक्निक यूज करते हैं आपके वेस्ट फ्लो के मास रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करने में, ठीक है। द मटेरियल रिसेंटली प्रोसेस्ड एंड सेपरेटेड एमआरएस शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम द इनकमिंग वेस्ट, जो रिकवर कर लिया आपने तो इनकमिंग वेस्ट का स्टोर एंड रिकवर्ड वेस्ट अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। इन सम फैसिलिटीज स्टोरेज वेस्ट और प्रोसेस वेस्ट आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम स्टोरेज ऑफ इनकमिंग वेस्ट एंड सच अ सेपरेशन विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, ऑल्सो द सेपरेटेड ट्रक्स कैन बी प्लेस्ड वेस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन डिस्प्ले ऑफ पोटेंशियल बायर्स फॉर ऑर्डरली लोकेशंस, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, ठीक है। तो कॉमन यूनिट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड वेस्ट, ठीक है, तो अभी देखो आपने जो रॉ वेस्ट को स्टोर करने के लिए कौन सी जगह हो सकती है, टिपिंग फ्लोर और पिट स्टोरेज, तो ये किसके लिए, रॉ वेस्ट के लिए। बट अगर आपको प्रोसेस्ड वेस्ट, एक बार प्रोसेसिंग हो गया कन्वेयर बेल्ट से, शेडिंग कर दिया, बेलिंग कर दिया, एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन, ठीक है, उसके बाद इन प्रोसेस वेस्ट को स्टोर करने के लिए कहां का प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपका एनक्लोज्ड वेयरहाउस स्पेस वहां पर कर सकते हैं, फिर आपके ओपन सेटेड रूफ स्ट्रक्चर या पोल बांच वहां पर कर सकते हैं, रोल ऑफ कंटेनर्स या शिपिंग कंटेनर्स पे कर सकते हैं। तो शिपिंग कंटेनर्स के लिए हम लोग हजार्डस वेस्ट लेवल यूज करते हैं, जहां पे शिप्स करने हैं, जो शिपिंग ऑफ पेपर हम लोग कर सकते हैं वहां पे शिपिंग कंटेनर्स, तो ये चार जगह पर हम कर सकते हैं। वेयरहाउस की स्पेस में देखा होगा बेल, पेपर से बेल बढ़े रहते हैं, ठीक है, ओपन सेट रूफ स्ट्रक्चर कर सकते हो, हर जगह पर ये चार जगह पर कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल इक्विपमेंट्स इन एमआरएफ, ठीक है, तो कौन कौन से मोबाइल इक्विपमेंट्स एमआरएफ में होते हैं, ठीक है, तो जो आपके फ्रंट एंड लोडर्स एंड फोकलिफ्ट जो होता है, ये आपका कॉमनली हम यूज करते हैं, जो आपके मोबाइल इक्विपमेंट जो कि काफी घूमते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड लोडर्स आपके कन्वेयर बेल्ट्स पे उसको ट्रांसफर करने में काम आता है, फोकलिफ्ट जो होता है, फोकलिफ्ट जो होता है जो कि बेल्ट मटेरियल जो कि पेपर वगैरह होता है उसको बेलर से स्टोरेज में उसको ट्रांसफर करने में काम आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट इज अ फोकलिफ्ट, ठीक है। तो और कौन कौन से, उसके अलावा फोकलिफ्ट फ्रंट एंड लोडर्स के अलावा बिन्स मूवेबल होते हैं, कंटेनर्स, फोकलिफ्ट, फ्रंट एंड लोडर, मैनुअल लिफ्ट, स्किड स्ट्रेट लोडर, स्ट्रीम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर या ट्रैक, तो ये सारे जो आपके होते हैं आपके मूवेबल इक्विपमेंट्स इन एमआरएफ, देन कॉमन क्या होता है फ्रंट एंड लोडर्स एंड फोकलिफ्ट जो काफी ज्यादा कॉमनली मूव ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है ये फ्रंट एंड लोडर देखो तो ये मूवेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है।
आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्स्ड एंड इक्विपमेंट्स होता है फिक्स्ड एंड इक्विपमेंट्स ठीक है तो फिक्स्ड इक्विपमेंट्स जो भी क्या होता है जो फिक्स एक जगह पर रहता है ठीक है तो जिसमें काफी ज्यादा मटेरियल जो काफी ज्यादा हम लोग गोल करते हैं उसको प्यूरीफाई करते हैं प्रोसेसिंग का जो काम आता है तो जो बेलर श्रेडर जो हमने पढ़ा कैन श्रेडर प्लास्टिक ग्रैनुलेटर एवरीथिंग साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स बेलर्स वगैरह जब होते हैं श्रेडर होता है एंड एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द ये ठीक है तो ये आपके क्या होता है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट ये आपके सब होते क्या ये आपके फिक्स्ड इक्विपमेंट होते हैं ये सारे फिक्स्ड इक्विपमेंट जो होता है साइज रिडक्शन इन सब के बारे में आगे बहुत डिटेल में पढ़ना था इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है बट इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए इसके फंक्शंस में आपको पहले बता दें ठीक है इनके पता होना चाहिए ठीक है कन्वेयर्स कन्वेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है कन्वेयर्स का मतलब क्या होता है कन्वेयर द कन्वेयर इज अ सिस्टम ठीक है कन्वेयर इज अ सिस्टम इट ट्रांसफर्स द वेस्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर ठीक है तो अगर स्टोरेज एरिया से इसको प्रोसेसिंग सेंटर में ट्रांसफर करें तो कन्वेयर बेल्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं कन्वेयर बेल्ट का आप लोग उसको उसको आप लोग कर सकते हो उसको आप लोग सेपरेट भी कर सकते हो जो आपको रिकवर करना है ठीक है ये कॉमन यूनिट इक्विपमेंट होता है ठीक है एंड सेवरल टाइप्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग हिंज बकेट एप्रन ये सारे न्यूमेटिक टाइप ये सारे उसके वो रहते हैं ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग डेटा अवेलेबल होना चाहिए कन्वेयर्स के ऊपर तो जो मैन्युफैक्चर करता है उसको पता होता है कि उसके कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग डेटा क्या है ठीक है तो फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर करना पड़ता है सिलेक्शन अप्रोप्रिएट कन्वेयर इंक्लूड कैपेसिटी ऑफ बेल्ट तू कितना बेल्ट कितना वेस्ट को कैपेसिटी हैंडल कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्रेवल कितना लेंथ उसको कहां से कहां लेके आना उसके ऊपर ट्रेवल करता है लिफ्ट अभी मल्टी स्टोरी अगर आपका रिकवरी फैसिलिटी तो कितना लिफ्ट लेना पड़ेगा वो फिर मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक क्या जो ट्रांसपोर्ट करना है उसकी ओवरऑल कॉस्ट ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या पे डिपेंड करता है आपका अप्रोप्रिएट कन्वेयर्स ठीक है तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं कन्वेयर की बेल्ट कन्वेयर काफी ज्यादा यूज करते हैं ठीक है जहाँ पे मटेरियल को बेल्ट के अराउंड कैरी किया जाता है एंड एक ड्रैग कन्वेयर होता है जिसमें हम लोग क्रॉस बार जो ड्रैग करके हम लोग उसको लेके आते हैं ठीक है The belt conveyor designed with the idler rolls that create a concave cross section. Such shape will retain lighter materials along the length of the belt and to minimize this further skirt bands को provide करते हैं. The flat belt conveyor uses a series of slider belt design. और इसके ऊपर मैं अगर आपको figure दिखाऊंगा तो figure से आपको काफी अच्छे समझ में आएगा ठीक है. तो मैं figure दिखाऊंगा आपको तो ये आपका होता है एक cross section पर देखते हो तो ये belt होता है ठीक है. ये belt ऐसा होता है इसका आप material carry करते हो एंड ये स्कर्ट बोर्ड जो होता है इसमें स्पिलेज ना हो तो इसको हम स्कर्ट बोर्ड इसके लिए प्रोवाइड करते हैं. पूरा स्कर्ट बोर्ड होता है और ये आपका रबर एज होता है ठीक है. तो ये रोलर होता है तो आप इस तरह से इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू रहता है तो ये आपका बेल्ट इस तरह से फॉर्म में रहता है ठीक है. यहाँ से आपका मटेरियल को हम पास करते हैं ठीक है. तो ये मटेरियल इस तरह के इस फॉर्म में ऐसा पास होता रहता है आपका ठीक है. दैट इज कॉल्ड द बेल्ट कन्वेयर ठीक है. तो न्यूमेटिक कन्वेयर में आपकी कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर जो आपका होता है कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर जो आपका बेल्ट कन्वेयर में कैपेसिटी जो होता है कि उस बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उस बेल्ट की स्पीड कितनी है. अगर वो पता चल गया आपको तो द डेप्थ इज लिमिटेड टू द हाइट ऑफ द साइड वॉल्स ठीक है. एंड द वॉल्यूम रेट पर निकाल सकते हैं. तो वॉल्यूम रेट वो क्या होता है फ्लूइड में पढ़ा हुआ क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. क्यू इज द फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकंड मीटर क्यूब पर मिनट. ए आपका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और वी होता है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर मिनट ठीक है. तो ये आपका होता है वेलोसिटी. अगर आपको ये पता है तो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं कुछ कन्वर्जन यूज करते हैं तो ये थिकनेस ऑफ बेस्ट का फॉर्मूला होता है. एरिया इज इक्वल टू द विड्थ इनटू थिकनेस होता है ठीक है. तो आपको लोडिंग रेट पता है आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको वी इंटू से तो ये परफॉर्म होता है ठीक है ना. तो यहाँ पे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो अगर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको तो ये मिलेगा क्या तो ये मिलेगा मास रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा. तो ये लोडिंग रेट है क्योंकि आपको आपका आप लोग जो वेट मेजर करते हो वो वॉल्यूम नहीं है वो किस में मेजर करते हो वो आप लोड में करते हो तो दैट्स व्हाई इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई किया गया ठीक है. सो ये आपका होता है थिकनेस ऑफ वेस्ट का फॉर्मूला होता है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग आगे भी ठीक है. तो यहाँ पे यूडेशन का मतलब दिया हुआ क्या है क्या नहीं ठीक है. न्यूमेटिक कन्वेयर है. न्यूमेटिक कन्वेयर जो होता है वो एयर की तरफ चलता है जो उसमें कंप्रेस्ड एयर पास करता है कंप्रेस्ड एयर के थ्रू वो वेस्ट वो उसको कनेक्ट करता है. तो ये आपका होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कन्वेयर हैज नॉट बीन विदाउट इट शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है. काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ये देखो इसमें काफी ज्यादा वेस्ट इधर उधर मिक्स हो जाता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है. स्केल्स का होता है स्केल्स जो स्केल्स कुछ ऐसे ऐसे जो होते हैं एमआरएफ के अंदर होते हैं एंड देयर टिपिकली स्मॉल मॉडल्स एंड आर यूज्ड टू वे ऑब्जेक्ट्स सच एज बेल्स ऑफ मेटल पेपर जो आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट जो पेपर को वे करना है तो प्लेटफॉर्म वेट होता है वहां पर उसको वेट करते हैं ठीक है. तो ये कुछ कॉम्पोनेट होता है आपके एमआरएफ फैसिलिटी के अंदर तो मैंने आपको ये बता दिया ठीक है. देखो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो होता है वो उसमें कुछ कुछ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है. जो यूनिट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये श्रेडर है कुछ भी सेपरेटर है ठीक है. ये सेपरेटर है मान लो कि इस वेस्ट में एक्स जीरो प्लस वाई जीरो फीट डाल रहे हैं. उसमें एक्स जीरो मान लो क्या है कि एक्स जीरो मान लो कि वो एक एक रिकवर्ड मटेरियल जिसको हमको रिकवर करना है ठीक है. तो वो आपका रिकवरिंग मटेरियल है ठीक है. उसको हमको रिकवर करना है ठीक है. वाई जीरो क्या है वाई जीरो आपका रिजेक्टेड मटेरियल है. इसको बोल सकते हैं जो कि आपका जो कि प्रोसेस नहीं किया जा सकता ठीक है. अगर आपने सेपरेटर में पास कर दिया तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सेपरेटर बोलते हैं. क्यों क्योंकि तो जब जब जैसे अगर आपको सेपरेट करना है ठीक है ना मैं आपको बोलूंगा आपको इसको सेपरेट करना है. सेपरेट जब करोगे तो सेपरेट करोगे दो इसमें करोगे ना अगर मान लो कि अगर एक 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 क्वांटिटी आ रहा है तो
एक क्वांटिटी आता है तो वो दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, दैट इज व्हाट इज बैलेंस सेपरेटर. तो x1 plus y1 x2 plus y2 ठीक है. उसमें एक इसमें क्या है कि x एक इसमें जो x इसमें दो स्ट्रीम रहता है 1 और 2 दो आउटपुट स्ट्रीम रहते हैं. एक इसमें जो x वाला क्वांटिटी ज्यादा रहता है और एक इसमें y वाला क्वांटिटी ज्यादा रहता है ठीक है ना. तो ये वाला तो जो अपने को चाहिए रहेगा तो आपको यहां पे मिल जाएगा ठीक है. तो x होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट और y होता है रिजेक्ट ठीक है. अगर मैंने मान लो यहां पे एक और सेपरेटर लगा दिया ठीक है और सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, तो ये वापस क्या होगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रीम जो रहेगी इसके दो बनेंगे ठीक है. एंड ये जो स्ट्रीम रहेगी इसके दो बनेंगे, तो टोटल कितने स्ट्रीम बन जाएंगे, चार आउटपुट स्ट्रीम बनेंगे. समझ में आ रही हो क्या कैसे कि ये स्ट्रीम के ऊपर अगर और स्ट्रीम लगा दे तो और चार आउटपुट स्ट्रीम बनेंगे ठीक है. तो एस टू आउटपुट रिजल्ट इन द ऑपरेशन ठीक है. अ बैलेंस रीजनिंग मिक्स फिट एक्स जीरो एंड वाई जीरो द गोल ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज टू सेपरेट एक्स फ्रैक्शन प्योर फॉर्म विद टोटल रिकवरी एंड विद मोस्ट रिकवरी एज पॉसिबल ठीक है. अगर मैं आगे की बात करूं एंड रिकवरी ऑफ y2 कितना रहेगा, y2 कितना था पहले एंड y0 कितना था पहले उसमें मिल गया 100 के. तो आपको रिकवर x1 कितना है y2 कितना रिकवर वो हमको मिल जाएगा ठीक है. अगर मैं आगे की बात करूं बच्चे तो वो इसमें क्या रहता है कि इसमें एक चीज का प्रॉब्लम रहता है कि प्योरिटी का फैक्टर कंसिडर करते नहीं ठीक है. तो प्योरिटी का फैक्टर कंसिडर करते नहीं है, सो ये हम लोग कंसिडर करते नहीं. सो इफ द सफिशिएंट डिवाइस इज नॉट अगर मान लो ये ऑपरेशन रहेगा तो जितना x0 रहेगा वो उतना x0 x1 के पास रहेगा, रिकवरी पर 100% हो जाएगा ठीक है. दैट्स व्हाई कितना प्योरिटी है वो प्योरिटी निकालना है ठीक है ना. तो अपन अभी तो जो हम लोग x1 निकाल रहे थे x1 अपन x0 में निकाल रहे थे ना, तो x1 और x1 plus y1 टोटल निकला ठीक है ना. तो x1 plus y1 में x1 कितना परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड द प्योरिटी ऑफ दैट कंटेंट. समझ में आया. तो प्योरिटी ऑफ y2 तो x2 plus y2 जो उसमें y2 ज्यादा है तो उसमें y2 कितना है, सो दैट इज द प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट ठीक है. उसको हम बोलते हैं अगर आगे मुझे जाना है प्योरिटी में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है. प्योरिटी भी जो होता है उसमें सेपरेटर का परफॉर्मेंस को हम नहीं कर पाते. अगर मुझे अगर सेपरेटर का परफॉर्मेंस जो होता है उसको अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ई ऑफ एक्स वाई जो कि फॉर्मूला था 100 ऑफ एक्स वन अपन एक्स जीरो वाई वन माइनस वाई वन अपन जीरो 100 एक्स टू जीरो वाई. तो उस सब जो सेपरेटर जो रहेगा वो सेपरेटर का अपने को एफ ए ठीक है. और उसके अलावा जो होता है एक और फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड द वर्सल स्ट्रेंथ. ये भी इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं x1 अपन x0 y2 अपन y0 और रेस्ट टू हाफ इनटू 100 इससे हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका इक्वेशन क्या आता है, ओवरऑल रिकवरी कैसा होता है कि x1 plus y1 कितना है अपन x0 plus y0 इस सब को ओवरऑल रिकवरी जो बेल्ट कन्वेयर्स का हमको पता चल जाता है ठीक है. तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल देख सकते हो. ये 400 मीटर टन का अगर रिसोर्स कैपेसिटी अगर है उसमें अगर मान लो कि वेस्ट 15 मीटर क्यूब का कॉम्पैक्टेड ट्रक्स आता है क्योंकि एवरेज 900 केजी पर मीटर क्यूब देता है, तो मुझे निकालना है कि कितना नॉर्मल इक्विपमेंट काम करता है ठीक है पर आर के हिसाब से ठीक है. तो अगर मैं ट्रक की बात करूँ, ट्रक कैपेसिटी कितनी है 15 मीटर क्यूब 900 ये इतना अगर कर दूं मैं डेंसिटी मीटर कर दूं और उसको मेट्रिक डेंसिटी डिवाइड कर दूं 13.5 मीट्रिक टन पर ट्रक आता है ठीक है. अब फैसिलिटी जनरली क्या होता है, 12 घंटा काम करता है कोई भी इंडस्ट्री में तो 12 घंटा काम करता है, 5 दिन वीक में काम करता है ठीक है. तो 400 मीट्रिक टन बाय 12 घंटा पर डे ठीक है, तो 16.7 मीट्रिक टन पर आर और 5 दिन पर वीक करता है ठीक है. तो 16.75 मैट्रिक्स पर 3.3 ये प्रोसेसिंग सर, तो तीन ट्रक अपन लेंगे प्रोसेसिंग करने के लिए ठीक है. अब वेस्ट लोडिंग 5 दिन पर वीक होता है, एक शिफ्ट पर डे काम होता है ठीक है, और 7 आवर पर शिफ्ट का एक घंटे का होता है. अगर मैं रिसीविंग रेट की बात करूँ तो रिसीविंग रेट के लिए 400 × 5 × 7 तो 57 मीट्रिक टन पर है. तो अगर रिसीविंग की बात करूँ तो कितना रिसीव करने के लिए कितना ट्रक लगेगा, 4 ट्रक. तो 4 ट्रक रिसीव करने के लिए लगेंगे ठीक है, और 3 ट्रक आपको प्रोसेस करने के लिए लगेंगे ठीक है. तो 4 प्लस से टोटल ट्रक्स कितने लग जाएंगे, 7 ट्रक्स आपको लगेंगे ठीक है. तो ये नंबर ऑफ ट्रक्स का ये आप देख सकते हैं ठीक है. ये अपन न्यूमेरिकल हो गया, इसमें कुछ कुछ चीज आपको एज्यूम करने रहेंगे. ये न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट द वेस्ट थिकनेस ऑफ कन्वेयर बेल्ट जिसमें 1.1 मीटर की एवरेज बेल्ट कन्वेयर बेल्ट की विड्थ है ठीक है. उसकी एवरेज स्पीड 17.5 मीटर पर मिनट है, लोडिंग रेट इतनी है, एवरेज स्पीड इतनी है. फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, उसके फॉर्मूले में वैल्यू आपको वैल्यू मिल जाएगा थिकनेस ऑफ वेस्ट की ठीक है. ये हुई एडी करंट सेपरेटर के ऊपर प्रॉब्लम है. इसमें आपको x1 ये है ठीक, x0 ये है, x0 ये आपका x0 plus y0 है,
ये आपका X55 kg एल्यूमिनियम है, ठीक है, X0, इसमें आपका ये Y0 है, ठीक है, फिर ये X1 है, ठीक है, ये X1 है, ठीक है, ये आपका X1+Y1 है, ठीक है, फिर आपका ये 40, 40, ये आपका क्या है, ये आपका X1 है, ठीक है, X1 अपन ये आपको सब X1 X0 X1 सब पता रहेगा, इसमें कैलकुलेट करके फॉर्मूले में डाल सकते हो, आपको सारे वैल्यूज रिकवरिंग वैल्यूज प्योरिटी की वैल्यू एंड डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कर लेना। सो दिस वे तो हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का पार्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपने सिलेबस के बारे में बात करूँ तो सिलेबस के बारे में मैं बात करूँ आपसे, यस बेटा, तो अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ आपसे, सो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था, ठीक है, सो यूनिट नंबर 3 में वी हैव फिनिश्ड नाउ दिस टॉपिक, ठीक है, सो यूनिट नंबर 3 में हमारा, यस, सो यूनिट नंबर 3 में हमने सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट और मटेरियल रिकवरी, तो हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया है, ठीक है, ये टॉपिक पूरा कर लिया है, ठीक है, अब हमारा बचता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इस टॉपिक का, ठीक है, तो इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आईएससी के बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए वी रिक्वायर 3 to 4 lectures मैक्सिमम लगेगा हमको, ठीक है, उसको हम आईएससी 2 के बाद कर लेंगे, हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो सोच रहे हैं, उसके बाद मैं सोच रहा था कि दैट उसके बाद मैं आपको आगे का जो यूनिट्स पढ़ाऊंगा, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ठीक है, इसके आगे के जो मैं यूनिट्स पढ़ाऊंगा आपको, उसके आगे जो यूनिट में पढ़ाऊंगा आपको, यूनिट नंबर 4, ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में वेस्ट डिपॉजिट मैनेजमेंट, जिसके लिए भी मेरे को 3 लेक्चर लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, और इस लेक्चर को सॉलिड वेस्ट ईयर जो लेक्चर है इसके, इसमें इसमें 4 लेक्चर समझ लो, इसमें भी रिक्वायर 6 लेक्चर्स, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है, सैनिटरी लैंडफिल, तो ये काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी, काफी सारे डिजाइन प्रॉब्लम्स भी है, इसको 6 लेक्चर्स लगेंगे अपने को, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू हजार्ड्स में इसके लिए और 4 लेक्चर्स, ठीक है, तो इसमें ही ये चैप्टर, ये यूनिट काफी बड़ा है, इसके लिए एक्चुअली काफी बहुत सारी चीज इसमें है, तो 40 लेक्चर्स लगती है इसमें कंप्लीट करने में, ठीक है, तो इसमें, ठीक है, एंड जो लास्ट यूनिट आपको जाएगा, लास्ट यूनिट, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं आपको एक टॉपिक तो मैं आपको ऐसे होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि है ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ईजी है, समझ जाएगा स्पेशलिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, और ट्रीटमेंट ऑफ लैंडफिल में भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, एंड इसमें थोड़ा सा आपको जो रहेगा को मैं कुछ नोट्स के फॉर्म में कुछ दे दूंगा, क्योंकि अपने पास यूनिट नंबर 5 करने का टाइम बचेगा, 10th से एग्जाम है, और थोड़ा अपने लेट स्टार्ट किया, तो यूनिट नंबर 5 अपने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्पेशल वेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस में आपको जो कुछ PDFs वर्ड कर दूंगा वो PDFs सब पढ़ लेना, ठीक है, तो आईएससी के बाद मोस्टली यूनिट नंबर 4 में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यूनिट नंबर 5 थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, तो ये चीज आपका रहेगा लास्ट यूनिट के बारे में, ठीक है, ओके, so let's end over now, so इसका जो मैं लिंक रहेगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उसमें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसका लिंक रहेगा, एंड वहाँ से आप देख लेना इसको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।